गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के बनसैया गांव में संपत्ति के लालच में सीआरपीएफ में सिपाही रहे राम सिपाही की पत्नी बादामी देवी की उनके ससुर और उसके भतीजों ने ही गड़ासी से गला काट कर की हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, जुटी अग्रिम कार्रवाई में। सीएम सिटी बन रहा है नाले सिटी। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के नाम से बन रहा है एकीकृत विश्वविद्यालय। बीए से लेकर वेदांत की पढ़ाई के साथ और भी है बहुत कुछ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। चिकित्सा और शोध को बढ़ावा संस्थान का है मकसद। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष स्टोरी। राज्यसभा का सांसद चुने जाने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे जयप्रकाश निषाद का भाजपाइयों ने किया स्वागत, कहा पार्टी के सभी दिशा निर्देशों का करूंगा पालन। खादी फैब्रिक ऑफ फ्रीडम, जंगे आजादी और स्वदेशी का प्रतीक। वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में है अपनी नई भूमिका में। जान बचाने से लेकर जीविका के जरिए बने खादी के मास्क मिल चुका है अब तक 6 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार। जून से जुलाई तक वाजिब दामों पर बेचे जा चुके हैं 5.6 मिलियन खादी के मास्क। नवागत एसएसपी जोगिंदर कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस ऑफिस पहुंचकर समस्त कार्यालयों का सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए किया निरीक्षण। शिकायत लेकर पहुंचे फरियादियों की सुनी फरियाद, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सद्भावना दिवस के अवसर पर एडीएम सिटी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर्मचारियों को दिलाई राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ, कहा देश की भावनात्मकता एकता तथा सद्भावना के लिए करें कार्य। क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान चरगावा द्वारा आयोजित जनपद व खंड स्तरीय अधिकारियों के सतत विकास लक्ष्य विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, किया गया सतत विकास के लिए प्रशिक्षित। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को 270 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 4652। अब तक 95 कोरोना पॉजिटिव मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 2767 हुए एक्टिव कोरोना मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मीडिया एवं जनसंपर्क कार्यालय के तत्वाधान में ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला डायलॉग का हुआ शुभारंभ। भारतीय मीडिया में आए बदलाव पर वक्ताओं ने की चर्चा, कहा मीडिया के लोकतंत्रीकरण के कारण अब हाशिए की खबर को भी उठा रहा है मीडिया। प्रभारी एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 की रोकथाम संबंधित बैठक, एक दूसरे विभाग के सहयोग से कोविड की रोकथाम की बनी रणनीति। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की मनाई गई 75वीं जयंती। राहगीरों को 151 वृक्ष दान कर पर्यावरण के संरक्षण का दिया संदेश। लायंस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एनके पांडे को सौंपा गया पीपीई किट, टेम्परेचर मीटर और मास्क। कोविड-19 वैश्विक महामारी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की गई सराहना। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ आश्रम के बच्चों में किया बिस्किट एवं अन्य सामग्री का वितरण, स्वर्गीय राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि।